रोहतक जिले में नकाबपोशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में नकाबपोशों ने एसबीआई के एटीएम का शटर तोड़ा, फिर गैस कटर से एटीएम काटकर 6,08,000 रुपए चोरी कर ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक जिले में नकाबपोश चोर कटर से एटीएम काटकर सारा कैश ले उड़े। चोरों ने पहले एसबीआई के एटीएम का शटर तोड़ा, फिर गैस कटर से एटीएम काटकर उसमें रखे 6,08,000 रुपए चुरा ले गए। एक नकाबपोश लुटेरा उस वक्त सीसीटीवी में कैद हो गया जब उसने कैमरे पर स्प्रे कर इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आज एसबीआई बैंक के कर्मचारी राजपाल सिंह थाने में पहुंचे। इस रात को 4 बजे के लगभग उन्होंने सूचना दी कि हमारा आउल गांव में एटीएम है, वहाँ कुछ गड़बड़ के बारे में सूचना मिली है। पुलिस तुरंत राजपाल को लेकर मौके में पहुंची। तब तक एटीएम मशीन को कटर से काट करके कैश वगैरह लेकर मुजरिम जा चुके थे। पुलिस ने जैसे ही ये लोग पहुंचे तो तब तक वो लोग जा चुके थे। एटीएम मशीन हमारी जो है यहीं पे है, लेकिन उसको गैस से काट के, गैस कटर से जैसे काट के और सीसीटीवी जो है उसके ऊपर स्प्रे किया गया है। लाइटों के ऊपर भी, एटीएम की लाइटें जो हैं उनके ऊपर भी स्प्रे किया गया है और कैश जो है वो चोरी हुआ है।